तो वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के मौखेवा गांव में बदमाशों ने मजदूर युवक की लाठियों से पिटाई की, जिससे युवक बुरी तरह से घायल हो गया। समय रहते घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि मृतक युवक का नाम अरविंद यादव है। अरविंद मजदूरी करके अपना घर जा रहा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे दबंगों ने युवक को लाठियों से पीट पीट कर मरणासन कर दिया। वहीं अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। कल ये गुलगन थाना अंतर्गत मऊखेड़ा गांव है, जहां शाम को एक विवाद हुआ था लेट इवनिंग में, जिसमें फरियादी ने चार लोगों पर नामजद कायमी कराई थी। और उसका कहना था कि पुराने विवाद पे उसके लड़के के साथ मारपीट की गई है। उसका तुरंत एमएलसी कराया गया और एमएलसी के बाद उसमें सुसंगत धारा में एफआईआर भी रजिस्टर्ड हुई है और उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। सुबह संज्ञान में आया कि उसकी यहाँ पे डेथ हो गई है। इसमें पीएम हुआ है, पीएम पैनल ने किया है और इसमें ऑलरेडी हमारे पास एफआईआर, उसमें हम सेक्शन बढ़ा देंगे, सुसंगत सेक्शन बढ़े आएंगे, इसमें टीम बना दी गई, बहुत जल्दी हम राउंड अप करेंगे। घटना ये हुई कि ये से वो पहले विवाद चल रहा हो तो ये दारू वारू पीते लगा गए हुए, बोले तुम डीजे पे नाचो, ले गए हुए, वो मना किया हम दारू नहीं पीते हैं, इसने गाय दी उसने गाय दी, बोले हम तुम लेंगे। घटना तो शाम की कल की घटना है, शाम की वो एक से ड्रामा हो गया था, जब बोले हम तुमको देख लेंगे, फिर ई के बाद कल हो गई जहाँ घटना पूरी। कितने लोगों ने मारा? उसी तिरज मन बाहर नेता कल्लू कैसे मारा है? लाठी से हम बोले क्या हो गया, हम तो भरम हो गया, वो बेहतर तो नहीं बोला, भी नहीं बोला है।